हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 SST में आज हम लोग लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे। तो लेसन नंबर 10 में स्टे कनेक्टेड, इसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि की पॉइंट्स में ध्यान देंगे, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ये सब के बारे में आज हम लोग जानकारी करेंगे। तो इसमें लॉन्ग एगो मैसेंजर कैरिड मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बहुत पहले पुराने समय में लोग जो हैं अपने मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, ले जाने के लिए एक मैसेंजर होता था जो आपकी बातों को ले जाकर के कहता था या पहुंचाता था। एज इट लुक ए लॉन्ग टाइम, जैसे बहुत दिनों तक हम लोगों ने ये समय को देखा। दे वेयर रिप्लेस बाय पीजन्स एंड हॉर्समैन हु मूव फास्टर देन मैसेंजर्स। वे लोग क्या किए कि उस समय तो मैसेंजर आपके मैसेज को ले जाता था, मगर उसकी गति को बढ़ाने के लिए, तेज करने के लिए उसी जगह पर कबूतर का प्रयोग और हॉर्समैन का प्रयोग उन लोगों ने किया, ताकि हमारे मैसेज जो है जल्दी पहुंच सके। विद द पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, और जैसे जैसे समय बीता गया, द फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव बीन इन्वेंटेड। तो अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोगों ने ऐसा खोज किया, ऐसा साधन का प्रयोग किया कम्युनिकेशन का, कि उसकी गति और भी तेज हो गई। डिस्टेंसेस आर नो लॉन्गर ए बैरियर। अब जो है इस तरह की स्पीड हो गई मैसेज पहुंचने का, कि अब जो है ज़्यादा दूरी भी अब नहीं रह गया। दे कैन बी इजिली कवर्ड बाई यूजिंग द मॉडर्न मैन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब ये वे सभी आधुनिक समय से, आजकल का समय जो है, जैसे कि यातायात के साधन, कम्युनिकेशन का साधन बहुत ही आसान हो गया। अब उसमें आपको देर नहीं लगती है। जैसे में हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट में जैसे कि ट्रांसपोर्ट रेफर टू ए सिस्टम ऑफ कैरिंग पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय लैंड, एयर और वाटर। जैसे यातायात का साधन आजकल का ये सिस्टम में हो गया कि लोगों को, सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम जो है, जैसे कि लैंड हुआ, बाय लैंड, बाय एयर, बाय वाटर से भी किया जाता है। इट हैज चेंज ओवर द टाइम, इसको बदलने में बहुत समय लगा। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, यानी हजारों वर्ष पहले, 100 साल पहले, पीपुल ट्रैवल्ड और ट्रांसपोर्टेड गुड्स विद द हेल्प ऑफ एनिमल। 100 साल पहले लोग क्या किया करते थे, लोग अपने सामान को, अपनी यात्रा
जानवरों की सहायता से किया करते थे। आफ्टर द स्टीम इंजन वाज डेवलप्ड ऑन 1700 और उसके बाद स्टीम इंजन का विकास हुआ, प्रयोग हुआ 1700 में। पीपुल कुड ट्रैवल फास्टर एंड मोर इजीली बाय ट्रेन्स, लोग जो हैं उन्हें यात्रा करना तेज गति का हो गया और उन्हें ट्रेन से आसान हो गया। गुड्स कुड आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड बियॉन्ड लोकल एरिया विद द हेल्प ऑफ ट्रेन। गुड्स सामान ढोने वाले ट्रांसपोर्ट जो हैं लोकल एरियाओं में, क्षेत्रीय जगहों में ट्रेन से भी जाता है। सामान आप देखे होंगे, गुड्स ट्रेन जैसे मालगाड़ी सामानों को पहुंचाती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, आपका सामान चला जाता है, दूरी भी रहता है उससे, सामान आसानी से चला जाता है। रोडवेज आप देखेंगे जैसे सड़क हैं, वी नीड रोड्स फॉर स्मूथर एंड फास्टर मूवमेंट ऑफ व्हीकल, हमें रोड की जरूरत है, चिकना रोड जिसपे कि गाड़ियों का चलना आसान हो। इंडिया हैज ए वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड, भारत हम लोग का बहुत बड़ा देश जहाँ की रोड का नेटवर्क काफ़ी है, इंक्लूडिंग नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे। हम लोग के देश में नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है। ए वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड आल्सो कनेक्ट इंडिया एंड हर नेबर, तो इस तरह से हमारे देश में इतनी रोडों की संख्या है कि सभी हमारे पड़ोसी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्टेड कोलकाता विद पेशावर, ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम आप लोग सुना होगा, जीटी रोड, ये हमारे भारत में कोलकाता से लेकर के पेशावर पाकिस्तान तक है। विलेजेस टाउन्स एंड सिटीज आर कनेक्टेड थ्रू रोड्स, गांव, शहर, बड़े शहर सब सड़कों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। रोड्स आर बिल्ट ऑन प्लेन्स एंड माउंटेन्स, ये सड़कें समतल पे भी है, पहाड़ पर्वत पे भी है। मोस्ट ऑफ द रोड्स आर मेटल नाउडेज, आजकल की सड़कें सभी मेटल से बने हुए हैं। रेलवे द अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज फॉर ट्रेवलिंग ओवर लैंड इज द रेलवे, और दूसरा एक ट्रांसपोर्ट का साधन है रेलवे, यात्रा करने का साधन रेलवे। एज कंपेयर टू रोडवेज आर रेलवे आर चीपर एंड आल्सो फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अगर हम लोग रोड से इसकी तुलना करते हैं रेलवे का, तो रेलवे जो है एक सस्ता साधन है और सामान को लोगों को ले जाने के लिए एक अच्छा यातायात का साधन है, जो कि लॉन्ग दूरी भी डिस्टेंस के लिए अच्छा होता है। इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क इन एशिया एंड द फोर्थ लार्जेस्ट वन इन द वर्ल्ड, हमारे देश का भारत जो है हमारा एशिया में दूसरा स्थान है नेटवर्क में।
और पूरे वर्ल्ड में चौथा स्थान पे है। इट कनेक्ट ऑल इंपॉर्टेंट सिटी एंड टाउन। यह जो है महत्वपूर्ण बड़े बड़े शहरों छोटे शहरों से जुड़े हुए हैं। सम सुपर फास्ट ट्रेन इन इंडिया सच एज द शताब्दी एक्सप्रेस एंड राजधानी एक्सप्रेस ट्रेवल एट स्पीड ऑफ ओवर 100 किलोमीटर पर आवर। हमारे यहाँ हमारे भारत देश में कुछ ऐसी सुपर फास्ट ट्रेन है जैसे शताब्दी एक्सप्रेस एंड राजधानी एक्सप्रेस जिसकी स्पीड जो है प्रति घंटे 100 किलोमीटर की है। सम सिटीज है मॉडर्न मेट्रो सिस्टम। कहीं कहीं कुछ शहरों में तो मेट्रो सिस्टम है। कंसिस्ट ऑफ इलेवेटेड एंड अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन्स और जहाँ कहीं भी उस शहरों में अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन भी है। तो इस लेसन में आज इतना ही तक। तब तक के लिए थैंक यू।